today I'm gonna make laddus. Let's get started. Rainy, and I wish you happy Diwali, a very, very good happy Diwali. So hello everyone. This was the sweet little intro by my daughter. She want to wish happy Diwali to everyone. So आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सो आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट बनने वाले नारियल के लड्डू. सो रेसिपी शुरू करते हैं. सो इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क. आप ज़्यादा मिल्क भी ले सकते हैं अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग. सो अब इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे. आप दूध जितना ज़्यादा रखेंगे लड्डू उतने टेस्टी बनेंगे. सो मैंने इस रेसिपी के लिए है 1 कटोरी डेजिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा और 3/4 कप शुगर. शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. मैंने 2 ही चीज़ें ली हैं. आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं. सुबह हम मिल्क को चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि ये लगे ना नीचे से, और इसको हाफ करने तक पकाएंगे. So this is cobra and this is sugar and सो अभी हमारा मिल्क हाफ हो गया है. अब हम इसमें बाकी बची हुई शुगर भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम अब गैस को तेज करके अच्छे से बॉईल कर लेंगे. सो अभी हमारा मिल्क रबड़ी की तरह हो गया है, लेकिन अभी हम इसमें कोकोनट नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो कोकोनट ज़्यादा पकने से इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा. अभी हम इसको और गाढ़ा करने तक पकाएंगे. सो अभी हमारा मिल्क अच्छा गाढ़ा हो गया है. अब हम बिल्कुल गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसमें सारा कोकोनट ऐड कर देंगे. सो नारियल का बूरा ऐड करने के बाद हम इसे सिम गैस पे 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे, और गैस हमारा गर्म है तो हम इसे बीच बीच में चला के गैस बंद कर देंगे, जिससे यह थोड़ा कड़क हो जाएगा. और हम इसे ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो लड्डू सॉफ्ट नहीं आएंगे, और ये ठंडा होने के बाद इस तरह अपने आप कड़क मिक्सचर हो जाता है. सो अब हमारा मिक्सचर अच्छा ठंडा हो गया है. हम चेक कर लेंगे और धीरे धीरे सारे लड्डू बना लेंगे. सो मैंने अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और मैंने कोट करने के लिए शुगर ली है. आप नारियल पूरा भी ले सकते हैं. सो हमारा मिक्स, अब आप इस स्टेज पे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं. मैंने कुछ किशमिश डाले हैं. अब हम एक एक करके लड्डू बना लेंगे. अगर ठंडा होने के बाद भी आपका मिक्सचर सॉफ्ट है, लड्डू नहीं बन रहे, तो आप ऊपर से उसमें थोड़ा सा और कोकोनट मिक्स कर दे तो लड्डू अच्छे बनेंगे. सो ये हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हैं. हमने इसको अच्छे से प्लेट में डेकोरेट भी कर दिया, और आप भी बनाइए और खाइए. आप सभी को एक बार फिर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय बाय. और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा.